गुड मॉर्निंग लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो ए रिएक्शन इंटरमीडिएट आर डिफाइंड एज ए न्यूट्रल और चार्ज स्पीसीज विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड बाय कंज्यूम्ड गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट is known as reaction intermediate. And reaction intermediate are highly reactive because they have strong tendency to convert in stable form and their life period is 10 to 12 seconds. क्या मतलब है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट न्यूट्रल और चार्ज दोनों टाइप की स्पीसीज होती है, न्यूट्रल भी होती है चार्ज भी होती है, which form during the reaction consume गेट द फाइनल प्रोडक्ट, जो रिएक्शन के मध्य में बनती है जिसके फलस्वरूप फाइनल उत्पाद की प्राप्ति होती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्योंकि ये मध्य में बनती है सो दीज आर मोर रिएक्टिव स्पीसीज, इसलिए क्या होती है बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है बहुत हाई होती है। तो किसी रिएक्शन के मध्य में बनने वाली जो स्पीसीज होती है दीज आर नोन एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, उन्हें हम क्या कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, क्योंकि ये मध्य में बनती है इसलिए इनका लाइफ पीरियड बहुत ही कम होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट यानी कि 10 से 12 सेकेंड तक का माना गया है। इनका लाइफ पीरियड हमारा कितना माना गया है 10 से 12 सेकेंड तक का माना गया है, इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, बहुत इनका शॉर्ट पीरियड स्पीसीज होती है। एंड उसके पश्चात देखिए ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज ए शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत कम है 10 से 12 सेकंड है, सो इट इज ए शॉर्ट लिव्ड हाईली एनर्जी एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। तो ये अपने आप को क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनती है इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम पे रिएक्शन करेगी और ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि शॉर्ट टाइम पे रिएक्शन करेगी इसलिए दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। ये क्या होती है हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। इट जनरेटेड इन ए केमिकल रिएक्शन एंड इट विल क्विकली कन्वर्टेड इनटू ए मोर स्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि ये बीच में बनती है रिएक्शन के मध्य में बनती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इनका टाइम पीरियड 10 से 12 सेकंड का है, इसलिए ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कन्वर्ट हो जाती है किसमें बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट बेस्ड ऑन द कार्बन आर कार्बोकटायन कार्बोनायंस फ्री रेडिकल्स कार्बीन्स नाइट्रीन्स एंड बेंजीन, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बेस्ड ऑन द कार्बन बैकबोन सो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज बेस्ड ऑन द कार्बन स्पीसीज आर नोन एज द कार्बोकटायंस। अगर ये कार्बन पर बेस्ड स्पीसीज होगी तो हम कार्बोकटायंस कहेंगे या कार्बोनायंस कहेंगे या फ्री रेडिकल्स कहेंगे या कार्बीन्स कहेंगे या नाइट्रोजन पर अगर बेस्ड होंगे तो हम नाइट्रीन्स कहेंगे और बेंजीन पर बेस्ड होगी तो दीज आर नोन एज द बेंजाइन्स। तो कहने का मतलब है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास जो हम जो आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन में वो कौन कौन से पढ़ाएंगे कार्बोकटायंस कार्बोनायन फ्री रेडिकल कार्बीन्स नाइट्रीन्स एंड बेंजीन्स। प्रश्न आपको मैंने इसके डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के मध्य में बनने वाले इंटरमीडिएट है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट करके अपने आप की स्टेबिलिटी को शो करते हैं। सो दीज आर नोन एज दीज आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट दीज आर नोन एज द कार्बोकटायंस, इसे हम क्या कहेंगे कार्बोकटायंस। हमारा फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है हमारा कार्बोकटायंस। कार्बोकटायंस डेफिनेशन आपको मैं क्लियर करती हूँ। देखिए कार्बोकटायन एन ऑर्गेनिक स्पीसीज विच हैव कार्बन एटम कंटेनिंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल हैज ए पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ए कार्बोकटायंस एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोकटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज इज यूज द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर सिंगल बॉन्डिंग टू 3 सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिमेनिंग ए p ऑर्बिटल इज एम्प्टी। क्या मतलब है ए ऑर्गेनिक स्पीसीज विच हैव ए कार्बन एटम कंटेनिंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसके कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं कार्बोकटायंस। वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बोकटायंस, सपोज हमारे पास जैसे एग्जांपल है CH3Cl, अगर हम लेंगे CH3Cl को मैं आप ऐसे लेती हूं CH और ये हो गया Cl। आफ्टर ब्रेकिंग द हेटेरोलाइटिक फिशन हम इसमें कौन सा फिशन करेंगे हेटेरो
लिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन में क्या होता है, हेट्रो प्रोडक्ट बनेंगे। सो ड्यू टू द हेट्रोलिटिक व्हाट, ड्यू टू द हेट्रोलिटिक फिशन, इसमें हेट्रोलिटिक फिशन कहेंगे, द बॉन्ड इज ब्रेक टुवर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो वी गेट व्हाट, वी गेट द सी एच एच एंड एच, ड्यू बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेट टुवर्ड द क्लोरीन साइड। सो दिस स्पीसीज हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज एंड द क्लोरीन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज with lone pair of electron. So now this species having a positive charge, so that species is known as the carbocation. This is known as the carbocation because this is the carbon species and having a positive charge, so it is known as the carbocation. And we know that this is a positive charge species, this is known as the carbocation, and this is the carbocation is the carbon atom. Carbocation is the carbon atom. This is known as the, this is sp2 hybridized. यह क्या होगी? sp2 hybridized. sp2 मतलब that means the three orbital take part in the bonding, because in the previous video I also explained the what is the meaning of sp2 hybrid orbital. The meaning of sp2 hybrid orbital, that means the three orbital take part in the bonding. So no, we know that there is the one orbital, this one is this one orbital, this is the second orbital, this one is the three orbital. So that means that type of hybridization is what? sp2 sp2 का मतलब हो गया, that means the three orbital take part in the bonding. So one orbital ये हो गया, 2 and 3. See, this is the what? sp2 hybrid orbital. It is used the three hybrid orbital. मैंने बोला three hybrid orbital, one hybrid orbital, second hybrid orbital, third hybrid orbital. For single bond, this is the one single bond, second single bond, third single bond, and the three substrate and remaining orbital is empty. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, so that means this orbital should be empty orbital. And the empty orbital, that means the deficiency of electron which show the positive charge. So that means the carbocation is the electron deficiency species which having a positive charge and having sp2 hybridization. This is known as the what? This is known as the carbocation. इसे हम किस नाम से nominate करते हैं? Carbocation. The carbocation thus are the planar structure having all the three covalent bond are plane. इसमें इसका structure कैसा होता है? Planar. So three hybrid orbital are plane. That means one hybrid orbital, second hybrid orbital, third hybrid orbital in a plane with the bond angle is 120 degree. You know that sp2 hybridization में जो bond angle होता है वो कौन सा होता है? 120 degree का, 120 degree का होता है. And this 120 degree between them is generated by hydrolytic bond fission. The fission is the hydrolytic bond fission, and the carrier charge in its structure with 6 valence electron are known as the carbocation or carbonium ion. इसमें हमने क्या बोला कि इसमें साथ साथ sp2 hybridization तो होगा, because it shows the sp2 hybridization, and their structure should be 6 valence electron. 6 valence electrons का meaning, the meaning of 6 valence electron आपको एक बार explain करते हैं. देखिए sp2 hybridization हो रहा है, 6 valence electron, that means देखिए c one bond, two bond, three bond and the positive charge. So one bond means, that means how many electron? 2 electron. One bond means 2 electron. एक electron इसका share होगा, एक इसका share होगा. This is a 2 electron. So what electron? Total number of electrons should be 2 plus 2 plus 2. Total number of electrons is 6 electron. 6 valence electron are known as carbocation. 6 valence electron होने के साथ साथ carbon का positive charge है. That means 6 valence electron है, carbon का positive charge है, hybridization sp2 है. The example is CH3+. इसका example मैंने लिया है CH3+. C2H5+. That means the species which having a positive charge, एक ऐसी स्पीसीज केमिस्ट्री में जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, साथ में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, दिस इज नोन एज द व्हाट, दिस इज नोन एज द कार्बोकैटायन. इसे हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं? कार्बोकैटायन के नाम से नॉमिनेट करते हैं. इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे छोटा सा हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन. हमारे पास जो कार्बोकैटायन होते हैं, हमने ये तो बता दिया कि कार्बोकैटायन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हेटेरोटिक फिशन से बनते हैं. तो कार्बोकैटायन हमारे पास दो टाइप के होते हैं. इट इज मेनली टू टाइप, मेनली थ्री क्लासेस में, कैटेगरी में डिफाइन किया गया है. प्राइमरी कार्बोकैटायन, इन दिस टाइप ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, कार्बन एटम इज अटैच्ड विद द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम. इसमें केवल एक कार्बन से केवल एक एल्काइल ग्रुप अटैच होगा. स्पेशली बोलूंगी ऐसे करके समझाने के लिए, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है. फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्स के आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होगा? द कार्बन एटम अटैच विद द वन पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम. इन दिस टाइप ऑफ कार्बोकैटायन टू हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय
टू अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स में क्या होंगे, सबके सब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे और साथ में पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज सब में होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, आपका पॉजिटिव चार्ज सीधा फिक्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा तभी कार्बोकेटाइन्स है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स में क्या होंगे, तीन के तीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, सो दिस इज नोन एज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जिसे हम इससे शो करते हैं 1 डिग्री से। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स, हम एक्सप्लेन अगर करेंगे तो सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी में दो हाइड्रोजन रिप्लेस जाएंगे अल्काइल ग्रुप से, सी एस थ्री ग्रुप कहिए, सी एस थ्री लिखिए या आप लिख दीजिए सी एस थ्री की जगह पर आर ग्रुप, ठीक है। मैं इससे फिक्स नहीं कहूंगी सी एस थ्री, कोई भी आर ग्रुप आपका अटैच होगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज इट इज अटैच बाय टू सी एस थ्री ग्रुप। ये क्या है, दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय टू अल्काइल ग्रुप बोला, तो हाइड्रोजन कार्बन एटम में क्या है, दो सी एस थ्री ग्रुप है, सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। उसके बाद बात करेंगे टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स की, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स और प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स और टर्शियरी में देखिए स्मॉल सा डिफरेंस है। टर्शियरी में बात वही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तीन के तीन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, तीन के तीन हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस होंगे अल्काइल ग्रुप से, तो यहाँ पर हो गया हमारा सी एस थ्री, दिस इज द सी एस थ्री, दिस इज द सी एस थ्री, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यदि सी एस थ्री नहीं लिखना चाहते हो तो दिस इज द सी एस थ्री इज रिप्रेजेंट बाय आर ग्रुप, ठीक है। आप यहाँ पर भी आर भी लिख सकते हो, तो जिसमें तीन सी एस थ्री ग्रुप होंगे, सो टर्शियरी हो गया जिसमें एक सी एस थ्री या तीन, एक सी एस थ्री होगा उसको हम, एक सी एस थ्री होगा तो उसको हम क्या कहेंगे प्राइमरी, इसको भी प्राइमरी कहेंगे हम, इसको भी प्राइमरी कहेंगे, एक सी एस थ्री है तो प्राइमरी हो गया, दो सी एस थ्री होगा तो सेकेंडरी हो गया, तीन सी एस थ्री हो गया, क्या हो गया आपका टर्शियरी, ठीक। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्सप्लेन करने के पीछे लॉजिक क्या था, कि वी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, हम कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स क्या होती है, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इन द केसेस ऑफ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन द सी3 ग्रुप कंटेन पॉजिटिव आई इफेक्ट, सी3 ग्रुप में क्या प्राइमरी में क्या होता है आपका, इट कंटेन द वन, इट कंटेन वन क्या आपका एक सी3 ग्रुप होगा और वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट, जो भी केमिस्ट्री में सी3 ग्रुप होते हैं वो कौन सा इफेक्ट इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द प्लस आई इफेक्ट, हमेशा कौन सा इफेक्ट इंडिकेट करेंगे आपका, प्लस आई इफेक्ट के नाम से शो करेंगे। सो इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बन एटम एंड बेयरिंग द पॉजिटिव चार्ज, सो सम चार्ज न्यूट्रलाइज एंड ऑलमोस्ट समवट पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड ऑन द मिथाइल ग्रुप कार्बन, सो द पॉजिटिव चार्ज बिकम डिस्पर्स एंड गिव द स्टेबिलिटी, हेंस वी कैन इजीली सी द ग्रेटर द डिस्पर्सन इज द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर विद द स्टेबिलिटी, हेंस द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स इज मोर स्टेबल इज कंपेयर टू द 2nd डिग्री एंड 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या कहने का मतलब क्या है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको बिल्कुल हल्का सा, कि हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स को तो बता चुके हैं कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, बट उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कह रहा है, जिसमें जितने ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतने ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब हम बात करेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स की बात करेंगे, हमारा प्राइमरी ये हो गया आपका, ठीक है, ये प्राइमरी हो गया, ठीक है, आपका ये प्राइमरी कार्बन हो गया, ये हो गया आपका सेकेंडरी और ये हो गया आपका टर्शियरी, ये आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सो इट शुड बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट बोला हमने, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस हम एक्सप्लेन करेंगे, सो क्या कहा, प्लस आई इफेक्ट चार्ज बिकम डिस्पर्स एंड गिव द स्टेबिलिटी, हेंस इट कैन बी स्टेबल, द ग्रेटर विद द डिस्पर्सन इज द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर विद द स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा डिस्पर्सन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि सी3 ग्रुप कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बन साइड, और अगर सी3 ग्रुप कार्बन की तरफ में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस कार्बन में तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो एक सी3 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ये स्टेबल हो जाएगा। इसमें दो सी3 ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन किस तरफ को, कार्बन की तरफ को डोनेट करेगा, तो दो सी3 ग्रुप डोनेट करेगा तो दो सी3 ग्रुप डोनेट करने से क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा सो दैट मींस ग्रेटर विद द स्टेबिलिटी होगी, इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें दो सी3 ग्रुप उसके अपने इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इन केस ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन देयर इज 3 CH3 ग्रुप, इट कैन बी डोनेट टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन कार्बन साइड, ये 3 CH3 ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या होंगे, कार्बन की तरफ को डोनेट करेंगे। तो क्या हुआ, इससे क्या समझे कि जिसमें जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, इसमें 3 CH3 ग्रुप, 1 CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप,
₹30 है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ को डोनेट करते हैं तो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा उतनी तेजी से इसका ऑक्टेट फुल हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है, और जितनी तेजी से ऑक्टेट फुल होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या समझे, इससे हम ये समझे कि जितना तेजी से प्लस आयन का इंक्रीज होगा यानी कि जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जिसको हम थोड़ा सा इसके बेसिस पे आपको मेरे डायग्राम में रखा है, ये टर्सरी, टर्सरी में दो सी तीन सी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन थ्री कार्बन कनेक्टेड है, ये टर्सरी हो गया आपका, ये आपका दो सी अटैच है, ये सेकेंडरी हो गया आपका, इसमें वन सी अटैच है, ये आपका वन कार्बन वाले प्राइमरी हो गया, और इसमें कोई भी सी नहीं है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप। तो जितना ज्यादा सी ग्रुप अटैच होगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी कहा। तो ये आपने, ये आपका क्वार्टरली इसमें नहीं होता क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सेकेंडरी में डोनेशन तो हो रहा है लेकिन दो सी3 का हो रहा है, इन कंपेयर टू सो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, टर्सरी हुआ, सो दैट इज सेकेंड होगा, सेकेंडरी होगा, दिस इज द प्राइमरी एंड लास्ट वन इज द मिथाइल ग्रुप। सो इस तरह से हम किसी भी ऑर्बिटल की कार्बन का टाइप की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। तो हम इससे आज हमने क्या समझा कि कार्बन का टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हम उसकी स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने एक्सप्लेन करने का आपको पूरी कोशिश करी है, जो भी डाउट होगा आप प्लीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड लेके हम फिर आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।